हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आज आपको संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में बताऊंगा। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने व्यतिकरण की घटना को देखा था और ये देखा था कि जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी वहां पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जिन बिंदुओं की तीव्रता न्यूनतम होगी उन बिंदुओं को हुए व्यतिकरण को हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। अब देखते हैं किन किन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होगी या संपोषी व्यतिकरण के लिए क्या आवश्यक शर्त है। तो आइए देखते हैं, संपोषी व्यतिकरण जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी कहते हैं। देखिए, इससे पहले हमने व्यतिकरण के इक्वेशन को देखा था, I = I1 + I2 + 2 अंडर रूट आई वन आई टू कॉस फाइव। ये एक व्यतिकरण का इक्वेशन था और मैंने आपको बताया था कि किसी भी बिंदु पर संपोषी या विनाशी व्यतिकरण होने के लिए ये कलंतर फाइव जिम्मेदार होगा। फाइव का जो भी वैल्यू होगी उसके अनुसार उन बिंदुओं पर संपोषी और विनाशी व्यतिकरण होगा। तो देखते हैं, किसी बिंदु पर अधिकतम तीव्रता, क्योंकि आपको पता है संपोषी व्यतिकरण में वाले बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, अधिकतम होती है। अतः संपोषी व्यतिकरण के लिए, संपोषी व्यतिकरण के लिए cos phi का मान है ये मान मैक्सिमम होना चाहिए और cos phi का मैक्सिमम मान प्लस वन। तो हम phi बराबर लिख सकते हैं 0, 2π, 4π, 6π डॉट डॉट डॉट, या इसको हम एक जनरल फॉर्म में लिखे पाई बराबर 2m पाई, जहां m बराबर 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। अगर m का मान 0 रखेंगे तो phi बराबर 0 ये हो जाएगा, m का मान 1 रखेंगे तो phi बराबर 2π हो जाएगा, m का मान 2 रखेंगे तो phi बराबर 4π हो जाएगा, m का मान 3 रखेंगे तो phi बराबर 6π हो जाएगा। इस तरह वो अलग अलग बिंदुओं पर आपको तीव्रता अलग अलग मिलेगी। अब हम लिख सकते हैं समीकरण 5 से, जो क्या था, आई मैक्सिमम तीव्रता मैक्सिमम होने चाहिए I1 + I2 + 2 √I1 I2 cos phi। cos phi का मैक्सिमम मान कितना होना चाहिए, 1 रखेंगे गुणा करेंगे तो यही मिलेगा I maximum = I1 + I2 + 2 √I1 I2। ये आपको मिला आई मैक्सिमम का मान। अब हम इसको लिख सकते हैं I maximum = √I1 + I2 का होल स्क्वायर। अगर √I1 और I2 को होल स्क्वायर पर गुणेंगे तो I1 square √I1 square को I1 मिल जाएगा, √I2 square को I2 मिल जाएगा, प्लस 2ab तो आपको ये मिलेगा। तो हम इसको आयाम के पद में लिखेंगे तो I maximum = k A1 + A2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है जो तीव्रता होती है इंटेंसिटी ये आयाम के वर्ग के अनुपमानुपाती होती है। I = k A² I1 रखते हैं तो k A1² तो यहाँ से हम अगर इसको अंडर रूट करेंगे तो ये अंडर रूट के पद में आएगा, तो अंडर रूट I1 बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं A1 √k, क्योंकि ये भी अंडर रूट में आएगा और ए स्क्वायर में एक बार आ जाएगा अंडर रूट के, तो यहाँ पर हम अंडर रूट A1 √k प्लस A2 √k² करेंगे तो k बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा A1 + A2 का होल स्क्वायर। जहाँ A1 और A2 अलग अलग तरंगों के आयाम है, अतः यहाँ से ये पता चला जिन बिंदुओं पर संपोषी व्यतिक्रम होगा उन बिंदुओं पर उनके जो तीव्रता होगी उनके आयामों के वर्ग के योग की क्या होगी, बराबर होगी। आइए अब देखते हैं विनाशी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण किन किन बिंदुओं पर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि विनाशी व्यतिकरण या व्यतिकरण में होने वाले जिन बिंदुओं पर उनकी परिणामी तीव्रता अलग अलग तीव्रताओं के अंतर से भी क्या कम हो उन बिंदुओं पर क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण। तो देखते हैं विनाशी व्यतिकरण किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता, विनाशी व्यतिकरण होने वाले बिंदुओं पर तीव्रता क्या होती है, न्यूनतम होती है या लगभग शून्य के बराबर। अर्थात विनाशी व्यतिकरण के लिए
cos 5 बराबर माइनस 1, जो व्यतिकरण का समीकरण है i बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर रूट i1 माइनस i1 i2 cos 5, तो ये वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए, परिणामी तीव्रता क्या होनी चाहिए, मिनिमम होनी चाहिए, और मिनिमम कब होगा जब इस cos 5 का मान क्या होगा, मिनिमम होगा, सबसे कम होगा, तो cos 5 का सबसे कम मान क्या होता है, माइनस a, तो हम लोगों ने लिखा किसी बिंदु पर न्यूनतम तीव्रता होने के लिए cos 5 का मान मिनिमम होना चाहिए, तो cos 5 बराबर माइनस 1, ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त। अब देखते हैं कि किन किन बिंदुओं पर cos 5 का मान माइनस 1 होता है, तो 5 बराबर हम लिख सकते हैं पाई 3π 5π 7π ये डॉट डॉट डॉट। अब इसको एक जनरल समीकरण लिखे तो 5 बराबर 2m माइनस 1π इस पर लिखेंगे, जहां m बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 5 ये आपका है। अगर देखते हैं m बराबर 1 रखेंगे, m बराबर 1 रखेंगे, 2 में 1 का गुणा करेंगे 2 माइनस 1 1 पाई मिल जाएगा आपको पाई, क्योंकि 1 का पाई से गुणा करेंगे तो पाई मिलेगा। m बराबर 2 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, तो क्या मिलेगा पाई से गुणा करेंगे 3 पाई, 3 रखेंगे तो 6 माइनस 1 5 5 पाई, 4 रखेंगे तो 7 पाई, ये आपकी वैल्यू पाई का अलग अलग बिंदु पर आएगी जहां cos पाई का मान माइनस 1 होगा। अब समीकरण 5 को देखते हैं, i मिनिमम होनी चाहिए, जो तीव्रता है क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होनी चाहिए, मिनिमम, क्योंकि ये परिणामी तीव्रता, और i मिनिमम होता क्या समीकरण 5, i बराबर i1 प्लस i2, ये देखिए समीकरण 5 इतना है लेकिन हम उसके मिनिमम लाने के लिए उसकी वैल्यू को रखेंगे, तब i मिनिमम i1 प्लस i2 प्लस 2 अंडर i1 i2 cos 5, cos 5 का मान न्यूनतम होना चाहिए, और cos 5 का न्यूनतम मान कितना है माइनस 1, माइनस 1 यहां रखेंगे, माइनस को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो अब देखते हैं क्या होगा, तब i मिनिमम बराबर i1 प्लस i2 माइनस, क्योंकि यहां पर माइनस 1 रख रहे हैं तो माइनस 2 अंडर रूट i1 i2, अब इसको हम लिख सकते हैं i मिनिमम बराबर अंडर रूट i1 माइनस अंडर रूट i2 का होल स्क्वायर। अब हम अंडर रूट i1 और i2 के मान को रखें तो i मिनिमम बराबर किस पद में, आयाम के पदों में रखें तो i मिनिमम बराबर k a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, जहां a1 a2 अलग अलग तरंगों के आयाम हैं, यहां से हमें मिल रहा है जो परिणामी तीव्रता होगी अलग अलग तरंगों के तीव्रता या आयामों के अंतर से भी क्या होगी, कम होगी, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त है, या विनाशी व्यतिकरण का ये सिद्धांत है कि जो परिणामी तीव्रता होती है अलग अलग तीव्रताओं के अंतर से भी क्या होती है, कम होती है या लगभग शून्य के बराबर होती है। वहीं पर समकोषी व्यतिकरण में जो परिणामी तीव्रता आएगा अलग अलग तरंगों की तीव्रता के योग से भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये रहा हमारा समकोषी और विनाशी व्यतिकरण के बारे में, आइए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है कला संबद्ध स्रोत, जिसको कहते हैं कोहेरेंट सोर्सेस, मतलब अगर कोई दो स्रोत हो और उनको कब हम कोहेरेंट सोर्सेस या कला संबद्ध स्रोत कहेंगे, इसको देखना है। तो चूंकि सोर्सेस दो स्रोत की बात कर रहे हैं, ऐसे स्रोतों को कोई भी दो स्रोत उससे ज्यादा ले सकते हैं जिनके बीच कलांतर नियत हो, कलांतर मतलब दो कलाओं के बीच का अंतर, और कला मैंने बताया कि कला उस कण की स्थिति या दिशा को निर्धारित करती है, तो कलांतर का मान क्या, नियत हो तथा समय के साथ न बदले, समय तो बदले लेकिन समय के साथ उसकी कला में कोई परिवर्तन न हो या कलांतर में कोई परिवर्तन न हो, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं, ऐसे स्रोतों को हम क्या कहते हैं, कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों के बीच कलांतर 0 पाई बाय 2 पाई बाय 3 पाई बाय 6 पाई बाय 8 डॉट डॉट आदि कुछ भी हो सकता है, कलांतर का मान कुछ भी हो सकता है,
जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा? जब दोनों तरंगे या दोनों स्रोत से निकलने वाले तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलेंगे और समय की वेग पर चलेंगे। परंतु यह नियत होना चाहिए, कलांतर का मान कुछ भी होना चाहिए, जीरो भी हो सकता है, पाई बाई टू हो सकता है, पाई बाई थ्री हो सकता है, लेकिन हर एक बिंदु पर समय के साथ कलांतर का मान क्या होना चाहिए? नियत होना चाहिए। आइए इसको देखते हैं फिगर से। ये हमारा दो तरंगों के चलने का पथ है समय के साथ। ये समय, इसे ये एक्सिस हमारे समय को बताता है और ये उसके द्वारा चला गया है। ये हमारा पहला तरंग है जिसको हम एक से निरूपित कर सकते हैं और ये हमारा दूसरा तरंग है जिसको हम दो से निरूपित कर रहे हैं। ये तरंग जब t बराबर 0 है तो पहले तरंग चल रहा है, स्टार्ट हो रहा और दूसरा तरंग दूसरे समय से चल रहा है। लेकिन ये दोनों के बीच कलाओं का अंतर देखिए, दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, तो इनके बीच 180 का अंतर है। फिर इस बिंदु पर देखते हैं, समय तो बदल रहा है 1 सेकंड 2 सेकंड, लेकिन फिर कलाओं का अंतर वही आपका नियत। हर एक बिंदु पर देखते रहते हैं कलाओं का कोई दूसरे के विपरीत है, अतः कलांतर का मान क्या है? नियत है। समय के साथ इसके कलांतर के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो इन दो स्रोतों को जो दो अलग अलग तरंग प्रकाश स्रोत है, इनको हम क्या कह सकते हैं? कला संबद्ध स्रोत कह सकते हैं। तो ये रहा हमारा आज का कला संबद्ध स्रोत के बारे में। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे यंग का व्यतिकरण संबंधी प्रयोग।